नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के लातेहार हैरंज प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों में लॉकडाउन को लेकर मध्याह्न भोजन बंद है, जिसे लेकर झारखंड सरकार ने सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों को सूखा राशन देने का निर्देश जारी किया है। लेकिन लॉकडाउन का बहाना बनाकर शिक्षक नहीं दे रहे हैं बच्चों को पैसा। बहुत सारे विद्यालय में तो आज तक चावल का भी वितरण नहीं किया गया है। इसी कड़ी में जब मीडिया की टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलैया व कसमार पहुंची तो बच्चों और अभिभावकों ने बताया कि सिर्फ चावल ही मिला है, कितना पैसा मिलना है दाल सब्जी के लिए शिक्षक नहीं कुछ बोले हैं। वहीं सलैया विद्यालय में गुरुवार को शिक्षक दामोदर राम चावल बंटवा रहे हैं। जब उनसे दाल सब्जी के पैसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देना तो है लेकिन अभी पैसा निकालने में दिक्कत है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। लातेहार से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। कौन क्लास में पढ़ती है? पंचम क्लास में। हाँ। क्या क्या तुमको अभी यहाँ पे मिला? अभी चावल मिला। कितना? 2 केजी। हाँ। और उसके अलावे कुछ नहीं मिला? नहीं। जिस दिन से स्कूल बंद हुआ है उस दिन से आज पहली बार चावल मिला। और दाल सब्जी के बारे में क्या बोले सर? निकासी करेंगे तब देंगे। पैसा की निकासी होगा तब मिलेगा। हाँ।